स्टूडेंट्स, नवभारती परिवार में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक है आज का पाठ्यक्रम विकास की अवधारणा एवं विशेषताएं। अवधारणा मतलब हमारी सोच की, हमारे पाठ्यक्रम के प्रति क्या सोच है। कहते हैं पाठ्यक्रम का, मैंने पहले आपको पाठ्यक्रम की अवधारणा बताई थी, लेकिन यहाँ है हमारी पाठ्यक्रम विकास की अवधारणा, अर्थात कि हम पाठ्यक्रम को किस तरीके से, उसमें जो विकास हुआ उसकी क्या सोच रही, कि उसको क्यों आगे बढ़ाना चाहिए, उसके विकास की क्यों हमें आवश्यकता पड़ी, उसके बारे में मैं यहाँ, उस सोच के बारे में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, उसके बारे में हम यहाँ व्याख्या कर रहे हैं। तो आप इस चीज से कंफ्यूज ना हो कि पाठ्यक्रम अवधारणा मैंने पहले पढ़ाया है, लेकिन यहाँ है हमारी पाठ्यक्रम विकास की अवधारणा। आपने देखा है कि निरंतर हमारे पाठ्यक्रम में विकास होता रहा है। प्राचीन काल में जो हमारा पाठ्यक्रम था वो आज हमारा प्रयोजनवाद में, यानी आज हम जो जिस युग में है, वैज्ञानिक युग में है, आज हमारा जो आधुनिक युग है उसके अंदर हमारे पाठ्यक्रम विकास जो हुआ है वो कितना आगे बढ़ा है। प्राचीन काल में हमने देखा कि जहाँ पर पहले पाठ्यक्रम को परिवर्तन करने की, सुधार करने की इतनी आवश्यकता थी, लेकिन उस समय जो समय और परिस्थिति थी उसके अकॉर्डिंग, या हम कहें कि पहले की सोच, तो उन्होंने पाठ्यक्रम को आगे विकसित करना नहीं, अनिवार्य नहीं समझा। वहां शिक्षा को हमने देखा आदर्शवाद में, हमने प्राचीन काल में ये देखा कि वहां जो पाठ्यक्रम था पहले, वो था पहले शिक्षक प्रधान, अर्थात उसमें शिक्षक की भूमिका अहम थी। वहां पर पाठ्यक्रम को ओनली शिक्षक प्रधान बनाया गया, तो वहां की जो शिक्षा थी वो शिक्षा भी हमारी कैसी बन गई, शिक्षा प्रधान, अर्थात जो शिक्षक कहे वो ही बच्चों को मानना पड़ता था, यानी कि शिक्षा सर्वोपरि, ये हमारे पाठ्यक्रम था। वैदिक काल में इस तरह का हमारा पाठ्यक्रम था, लेकिन जैसे जैसे सामाजिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन होता गया और हमारी आवश्यकताएं बढ़ती गई, वैसे वैसे हमारे पाठ्यक्रम में परिवर्तन होता चला गया। फिर जैसे आदर्शवाद से जब मनुष्य कहते प्रयोजनवाद तक पहुंचा, तो वहां आकर उन्होंने पाठ्यक्रम के विकास में जो परिवर्तन किया, वो परिवर्तन था हमारा कि आज का जो हमारा पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम हमारा कैसा बना, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम बना। प्रयोजनवाद में जो हमारा पाठ्यक्रम बना वो है बाल केंद्रित। प्राचीन काल में शिक्षक प्रधान था, और प्रयोजनवाद आधुनिक काल में कैसा बना हमारा, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। तो ये हमारा प्राचीन से जो हमारा वैदिक काल था, वैदिक काल से प्रयोजनवाद और आधुनिक काल में हमारे जो सामाजिक परिवर्तन होते गए और हमारी जो आवश्यकताएं बढ़ती गई, वो हमारा यहाँ पर प्रयोजनवाद में क्या बन गया, बाल केंद्रित। कहते हैं कि प्रयोजनवाद में जो हमारे पाठ्यक्रम में जो अनुपयोगी चीजें थी उनको निष्कासित करते हुए और उसको जो उपयोगी तत्व उसमें थे उनका समावेश करते गए, उसी तत्वों का समावेश करते हुए हमारा जो पाठ्यक्रम बन गया, वो पाठ्यक्रम हमारा कैसा बन गया, हमारा आज का जो हमारा उपयोगी पाठ्यक्रम, अर्थात हमारी परिस्थिति, हमारी आवश्यकता के अकॉर्डिंग जो हमारी आवश्यकता है वैसा हमारा पाठ्यक्रम बना। और ये पाठ्यक्रम उपयोगी और आवश्यकता किस पर निर्भर हुई, हमारे बच्चों पर, अर्थात बाल केंद्रित। इसीलिए हमारा क्या जो आज का पाठ्यक्रम है वो है हमारा बाल केंद्रित। अब मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, इसके लिए ही हमारे प्रोफेसर एस के दुबे जी ने जो इसकी परिभाषा लिखी विकास की, वो है कि पाठ्यक्रम को इनका आशय था, पाठ्यक्रम विकास से इनका आशय था पाठ्यक्रम को समसामयिक, आधुनिक, उपयोगी बनाने की प्रक्रिया, जिसमें पाठ्यक्रम को उद्देश्यपूर्ण और सार्वभौमिक सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया को संपन्न करने के योग्य बनाना है। इनका मानना था जहाँ पहले हमारा पाठ्यक्रम था, हमने देखा कि पहले का पाठ्यक्रम हमारा सर्वांगीण विकास का नहीं था, वो स्टूडेंट का, छात्र का सर्वांगीण विकास नहीं कर रहा था, लेकिन जो आज का हमारा पाठ्यक्रम बना समसामयिक, अर्थात समय के अकॉर्डिंग, जैसा समय था
वैसा और आधुनिक उपयोगी बनाने की प्रक्रिया को पाठ्यक्रम को क्या था हमारा उद्देश्य पूर्ण बनाना, अर्थात हमारी जो आवश्यकता है वो हमारी उद्देश्य है। सार्वभौमिक सत्य बनाया जो हमारी सत्यता है, कहते हैं हमारी आवश्यकता हमारी क्या है सत्यता, और इसी के द्वारा मनुष्य के अंदर क्या होता है उसका सर्वांगीण विकास। इसीलिए इन्होंने इस प्रक्रिया को सर्वांगीण विकास का नाम दिया। फिर आगे हम देखेंगे, मैंने बताया ये हमारी अवधारणा थी किसकी, पाठ्यक्रम विकास की। इसमें कहें हम सीधे से शब्दों में तो अनुपयोगी जो हमारे तत्व थे उनको तो निष्कासित किया गया इसमें, और पाठ्यक्रम में समाज राज एवं जो विश्व के लिए उपयोगी तत्व थे उनका इसमें हमने समावेश किया। तो ये हमारे पाठ्यक्रम विकास की अवधारणा थी, इसीलिए हमने पाठ्यक्रम के विकास में पाठ्यक्रम का विकास किया। अवधारणा यानी सोच, कि हमारे पाठ्यक्रम के विकास की ये सोच थी कि हमें क्यों पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाना है, उसे उसका विकास करना है। तो सबसे मेन चीज यही थी कि हमें जो उसके अंदर अनुपयोगी चीजें हैं जिनका समावेश है उन्हें हमें हटाना है और जो हमारे लिए उपयोगी है उन तत्वों का इसमें समावेश करना है। तो ये थी हमारे पाठ्यक्रम विकास की अवधारणा, यानी कि पाठ्यक्रम को क्यों विकास, पाठ्यक्रम का विकास क्यों किया गया। अब आगे हम देखते हैं कि जब पाठ्यक्रम का विकास हो रहा है तो उसके अंदर ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। जब हम पाठ्यक्रम विकास का थोड़ा विश्लेषण करते हैं तो विश्लेषण के साथ हमारे पास इनकी विशेषताएं आती हैं कि कौन कौन सी इस पाठ्यक्रम के विकास में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने देखा है योजनाबद्ध प्रक्रिया पाठ्यक्रम, हमने देखा है कि पाठ्यक्रम कैसी होती है योजना, यानी कि हमें पाठ्यक्रम को एक योजनाबद्ध प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करना है, क्योंकि इसके साथ साथ हमारे जो विकासात्मक तथ्य होते हैं उनको इसके साथ जोड़ा जाता है, उनकी जो पूर्व में जो योजना होती है उसको निश्चित की जाती है, और जब हम पूर्व की योजना निश्चित करते हैं तो क्या करते हैं हमारी योजना बनाते हैं। इसके लिए हम कहते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षण अधिगम सामग्रियों का जो हम उपयोग करते हैं उन उपयोगों को हमें किस तरह से करना है, अर्थात हम एक योजना पूर्ण योजना बनाते हैं उसे क्या करने के लिए, उसे संचालित करने के लिए पूर्व में हम एक योजना बनाते हैं कि हमें किस तरीके से इसे लागू करना है, हमें इसके लिए कौन कौन सी सामग्री काम में लेनी है, इसके लिए हमें कौन सी प्रक्रिया करनी है, कौन सा इसके लिए हमें पूर्व ज्ञान जोड़ना है। तो ये हम कहें कि योजनाबद्ध प्रक्रिया के लिए हम ये कह सकते हैं कि योजनाबद्ध प्रक्रिया एक हमारी पूर्व की प्रक्रिया होती है, उसे हमें पूर्व में जोड़ा जाता है कि हमें ये प्रक्रिया किस तरह से संचालित करनी है। तो पाठ्यक्रम को अगर आगे बढ़ाना है उसका विकास करना है तो हमें उस प्रक्रिया को एक योजनाबद्ध प्रक्रिया बनानी होगी। सेकंड है हमारी उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, सेकंड है हमारा उद्देश्यपूर्ण, यानी कि पाठ्यक्रम के विकास में जहां योजनाबद्ध प्रक्रिया का समावेश होता है उसके साथ साथ हमें इससे एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया भी बनानी होती है, क्योंकि जो पूर्व के जो उद्देश्य होते हैं हमारे उनका निर्धारण किया जाता है, यानी कि जब हम योजना बनाते हैं तो उस योजना में हम क्या करते हैं हमारे उद्देश्य, अगर हमारा उद्देश्य नहीं होगा तो हमारी योजना भी नहीं बनेगी। इसीलिए हमें योजना हम बनाते हैं तो उसके लिए हमें हमारे लिए एक उद्देश्य बनाना होता है। जैसे हम देखते हैं कि आज की जो वर्तमान जो शिक्षा है, वर्तमान का जो पाठ्यक्रम है उसका उद्देश्य हमारा क्या है, क्या उद्देश्य हमारा सर्वांगीण विकास। तो ये हमारा उद्देश्य है, शिक्षा इस उद्देश्य को लेकर चलती है, और शिक्षा जब इस उद्देश्य को लेकर चलती है तो पाठ्यक्रम को इसे पूर्ण करवाने का अधिकार होता है। तो हमारा जो उद्देश्य है, कहते हैं कि जब तक हमारे पाठ्यक्रम का कोई उद्देश्य नहीं होता है और हम कोई योजनाबद्ध प्रक्रिया नहीं करते हैं तो ये हमारा उद्देश्य पूर्ण नहीं होने के कारण ये हमारी अप्रभावी प्रक्रिया होती है। तो इसीलिए जब हम उद्देश्य की पूर्ति के लिए पाठ्यक्रम में हमें क्या करते हैं, हम शारीरिक प्रक्रियाएं, चारित्रिक, मानसिक, संवेगात्मक सारी प्रक्रियाओं का इसमें समावेश करते हैं, तभी ये हमारी सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसके लिए हम कहें कि हमको जब विकास करना होता है पाठ्यक्रम का तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक उद्देश्य निश्चित
करते हैं। बिना उद्देश्य पूर्ण की गई क्रिया हमारी, कहते हैं ना कि उद्देश्य पूर्ण अगर हमारी क्रिया नहीं होती है तो वो प्रक्रिया हमारी प्रभावी नहीं होती है। इसीलिए हमें अगर पाठ्यक्रम का विकास करना है तो उसे एक उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया बनानी है। फिर है हमारा उन्नतिशील। उन्नतिशील मीन्स उसको किस तरह से उन्नत करना है, उसे किस तरह से हमें आगे बढ़ाना है। तो पाठ्यक्रम विकास के लिए हम स्वीकार करते हैं कि समाज में जिस प्रकार उन्नति होती है ठीक उसी प्रकार पाठ्यक्रम के विकास में भी संभव होता है। हम देखते हैं कि जो हमारे पहले समाज ने शिक्षक को इतना महत्व दे रखा था, या हम कहें जहां पहले हमारी शिक्षा कैसी थी, शिक्षक केंद्रित, लेकिन जब इसकी उन्नति हुई, इसे विकसित किया गया, तो हमारी आज की प्रक्रिया कौन सी बन गई, बाल केंद्रित। तो कहते हैं कि हमें समाज को देखते हुए जिस तरह से समाज आगे बढ़ता है उसी तरह से हमें हमारे पाठ्यक्रम को भी उन्नतिशील बनाना चाहिए, क्योंकि समाज जब ऊपर उठेगा तो पाठ्यक्रम की यानी कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो भी बढ़ेगी, और उन आवश्यकताओं को हमें विकास में समाहित करके हमारे पाठ्यक्रम को भी उन्नति प्रदान करनी है। इस पाठ्यक्रम में हम अनेक गतिविधियों को स्थान देते हैं, बालक के महत्व देते हैं, और शिक्षक की भूमिका हम क्या मानते हैं, स्वीकारपूर्ण और सहयोगी के रूप में। यानी आज जो हम शिक्षक कहते हैं ना, आज की जो हम शिक्षक लेते हैं उसमें शिक्षक को सहायक के रूप में मानते हैं कि शिक्षक हमारे सहायक हैं, लेकिन शिक्षा पूरी केंद्रित किस पर होती है, बालक पर। तो कहते हैं कि हमें अगर उसे पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाना है तो हमें उस पाठ्यक्रम को उन्नतिशील बनाना होगा। फिर है सकारात्मक प्रक्रिया, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सकारात्मक प्रक्रिया के अंदर हम सदैव नकारात्मक जो हमारे तथ्य होते हैं उन्हें उसमें निष्कासित करके और सकारात्मक तथ्यों का उसमें समावेश करते हैं। पाठ्यक्रम में अगर हमारे सकारात्मक तत्व होंगे तो क्या होगा, पाठ्यक्रम का विकास होगा। जैसे हम ये कहें कि हमारे जो आज के जो वर्तमान में जो हमारे मूल्य हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम में कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो हमारी सोच को सकारात्मक बनाती हैं, हम ऐसे कई महत्वपूर्ण तत्व या महत्वपूर्ण बिंदु उस पाठ्यक्रम में अंकित कर देते हैं। जैसे हम कहें विश्व बंधुता, यानी कि हम सब में एक हैं, इस तरीके की भावना, सकारात्मक भावना हम रखेंगे तो क्या होगा, हमारे देश की उन्नति होगी, साथ में हमारे पाठ्यक्रम का भी उन्नति होगी। तो इसमें कहते हैं कि जो हमारे सार्वभौमिक मूल्य होते हैं उनका समावेश किया जाना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक दृष्टिकोण समाज को सदैव आगे की ओर लेकर जाता है। इसीलिए हमें हमेशा पाठ्यक्रम के विकास के लिए, या तो मुझे कहते हैं कि हमें कोई भी कार्य अगर हम करते हैं तो उस कार्य के प्रति हमें एक सकारात्मक सोच रखनी है। फिर है हमारी सुधारात्मक। सुधारात्मक मतलब अगर हम सबसे सुधार करना, हम देखते हैं कि जहाँ कमी होगी वही हम सुधार करेंगे ना, तो कहते हैं कि पाठ्यक्रम को भी हमें ऐसा बनाना चाहिए कि जहाँ हमें उसमें सुधारात्मक हम उपाय कर सके, सुधारात्मक उपाय को स्वीकार कर सके। वर्तमान हमारी जो परिस्थितियाँ होती हैं उसे हमें प्रासंगिक तथ्यों के रूप में उसे सुधार की आवश्यकता होती है। हम कहें कि पहले जहाँ हमें धर्म को बहुत सर्वोपरि माना जाता था, जहाँ धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, लेकिन उसमें सुधार होने के बाद में उस धार्मिक शिक्षा को क्या किया, हटा दिया गया, और उस धार्मिक शिक्षा के साथ साथ क्या करने लगे, जो पहले जो धर्म गुरु थे वो छात्रों के मन में क्या डालते थे, सिर्फ धर्म के प्रति, धर्म का प्रति कहते हैं कि अपना धर्म यानी धर्म के प्रति एक तरीके से उनके अंदर द्वेष की भावना पैदा होती थी। लेकिन जैसे जैसे ये तथ्य धार्मिक गतिविधियों से हमारे जो सरकारी विद्यालय थे उनमें स्थान प्रदान नहीं किया गया, तो क्यों नहीं किया गया, क्योंकि हमने उसको पाठ्यक्रम में समावेश नहीं किया। तो इस पाठ्यक्रम में समय के अनुसार इसमें क्या की गई, आवश्यक सुधार किया गया, और उस धार्मिक शिक्षा को हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा ना बनाकर उसे हटा दिया गया। तो इसमें कहा गया है कि हमें कुछ ऐसे जो हमारे समाज में या हमारे लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है, वो सुधार हमें पाठ्यक्रम में करना चाहिए। फिर है हमारी अनिवार्य प्रक्रिया। अनिवार्य प्रक्रिया से हम देखते हैं कि जब हमारे सकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जाता था, नहीं होता है, तो पाठ्यक्रम में पाठ्यक्रम को क्या मानते हैं हम, सही नहीं।
मानते। हम ये कहते हैं कि अगर हमारे जो जब हमारे खुद के सकारात्मक तथ्यों का पाठ्यक्रम में समावेश नहीं है तो वो पाठ्यक्रम का हमारे लिए कोई मूल्य नहीं होता। इसीलिए हम पाठ्यक्रम को ऐसे सामाजिक पक्ष के अनुरूप पाठ्यक्रम में जो परिवर्तन है वो परिवर्तन होने चाहिए जो हमारे लिए अनिवार्य होते हैं। हम देखते हैं कि आज का हमारे पाठ्यक्रम है उसके अंदर हमें कहीं ना कहीं अंग्रेजी भाषा का ज्ञान क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि उसे हमने हमारी अनिवार्यता बना दी गई कि वो हमारे लिए अनिवार्य है। तो ऐसे जो छोटे छोटे महत्वपूर्ण जो बिंदु होते हैं उन्हें हमें जोड़ना चाहिए जो हमारे लिए अनिवार्य है। फिर है उपयोगी। हमने देखा कि प्राचीन समय में जब हमारे लिए हमारे पाठ्यक्रम की हमारी शिक्षा हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं थी तो हमने देखा कि वहां अशिक्षित प्राणी ज्यादा थे, लेकिन जैसे जैसे हमारे समय और आवश्यकताएं बढ़ती गई अर्थात पाठ्यक्रम को ऐसा बना दिया गया जो मनुष्य की खुद की उपयोगिता बना दी गई। अगर जब उसको उपयोगिता को सिद्ध कर दिया गया तो हमारी जब उपयोगिता है तो हर व्यक्ति उस उपयोगिता को ग्रहण करने की कोशिश करेगा, नहीं उपयोग में लेना चाहेगा। तो पाठ्यक्रम के लिए कहते हैं कि पाठ्यक्रम को हम जितना उपयोगी हो सके समय परिस्थिति हमारी आवश्यकता के अनुरूप हमें पाठ्यक्रम को उतना उपयोगी बनाना चाहिए, क्योंकि जब तक पाठ्यक्रम उपयोगी नहीं होगा पाठ्यक्रम आगे नहीं बढ़ सकता। फिर है हमारी वैज्ञानिक प्रक्रिया। कहते हैं कि जो हमारे पाठ्यक्रम है उसमें एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया गया है। वैज्ञानिक अनुसंधानों खोजों पाठ्यक्रम में इनको बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है तथा इसके आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। हम देखते हैं कि जो प्राथमिक स्तर पर हम खेल विधि कविताओं के द्वारा इन पाठ्यक्रम में जो हम प्राथमिक स्तरीय गतिविधियों का इसमें समावेश करते हैं खेल क्रियाओं के आदि को, तो ये क्या होता है, ये हमारी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। यानी वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च किया अनुसंधान और रिसर्च किया कि ये प्रक्रिया कहाँ और किस तरीके की, तो कहते हैं कि पाठ्यक्रम को अगर विकसित करना है उसे आगे बढ़ाना है उसमें विकास करना है तो हमें वैज्ञानिक प्रक्रिया भी अपनानी होगी। फिर है सामाजिक प्रक्रिया। पाठ्यक्रम जो हमारी शिक्षा है हमारा विद्यालय है वो हमारे समाज से जुड़ा हुआ है, तो हमारे जो हमारा पाठ्यक्रम है उसे समाज से जोड़े रखना होता है, क्योंकि समाज में होने वाली जो समाज में जब परिवर्तन होगा तो मनुष्य खुद भी परिवर्तित होगा, और परिवर्तित जब मनुष्य होगा तो उसकी आवश्यकताओं में परिवर्तन होगा। तो कहते हैं समाज और व्यक्ति दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और उन्हें जब तक सामाजिक शिक्षा नहीं मिलती है तब तक वो उस शिक्षा को ग्रहण नहीं करना चाहते। इसीलिए हमारे पाठ्यक्रम में जो हमारे समाज चाहता है या समाज की जो आवश्यकता है उनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को हमें पाठ्यक्रम में समाहित करना चाहिए, क्योंकि समाज में होने वाली आवश्यकताएं या समाज में होने वाले कार्य समाज में होने वाली जो भी क्रियाएं होती है वो सीधे व्यक्ति को इफेक्ट करती है, इसीलिए हमारे पाठ्यक्रम में उसका समावेश होना बहुत जरूरी है। फिर है हमारी सांस्कृतिक प्रक्रिया। यानी हमारे पाठ्यक्रम में ये सांस्कृतिक प्रक्रियाओं का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों को हम समाहित करते हैं ये हमारे पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के तौर पर हम इनका इसमें समावेश करते हैं। हम कहते हैं कि जो हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं लोक संगीत नाटक लोक कलाओं से संबंधित जो गतिविधियां होती हैं वो छात्रों को क्या करना चाहिए संपन्न करने के लिए प्रदान की जाती है। इसके साथ साथ उनके पाठ्य पुस्तकों में जो निबंध कहानी और विविध प्रकार की जो संस्कृति के रीति रिवाज होते हैं उनके बारे में भी उसके आधार पर भी हमारा पाठ्यक्रम आधारित होना चाहिए, क्योंकि पाठ्यक्रम जो विकास पाठ्यक्रम के विकास की जो रूपरेखा है वो हमारी सांस्कृतिक गतिविधियों से भी जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि जब तक हम हमारे देश की संस्कृति के करीब नहीं होंगे उसको जाने के नहीं तो हम उसका विकास भी नहीं कर सकते। फिर है निरंतरता। कहते हैं पाठ्यक्रम में निरंतरता होनी आवश्यक है। कहते हैं शिक्षा एक निरंतर प्रक्रिया है, शिक्षा एक निरंतर प्रक्रिया है, तो जब निरंतर प्रक्रिया कब बनेगी जब वो उपयोगी होगी जो हमारे लिए आवश्यक होगी। हमने देखा कि प्राचीन काल से और आधुनिक काल तक हमारे पाठ्यक्रम निरंतर चला रहा है और उसमें जो जो कमियां हैं उसे हम दूर कर रहे हैं, तो कहते हैं पाठ्यक्रम को हमें ऐसा बनाना चाहिए जो हमें
हमारे प्रेजेंट में भी काम आए और हमारे फ्यूचर में भी काम आए, अर्थात उसमें निरंतरता बनी हुई रहनी चाहिए। फिर है हमारी समीक्षात्मक। हम देखते हैं कि हम जब कोई कार्य करते हैं तो हम उसकी समीक्षा करते हैं। समीक्षात्मक अध्ययन का प्रावधान होता है। इसमें हम क्या करते हैं, उन तथ्यों का निष्कर्षण करते हैं जो हमारे लिए अनुपयोगी होती है। यानी जब समीक्षा करते हैं, हम जब तुलना करेंगे हम किसी चीज की, तो क्या करेंगे, हम समीक्षा उसका सार करेंगे, तो हम उसमें यही चीज करेंगे कि जो हमारे लिए अनुपयोगी बिंदु होते हैं उन अनुपयोगी बिंदुओं को हम उसमें से हटा देते हैं। तो ये वही चीज है कि हमारा जो पाठ्यक्रम है उसमें समीक्षात्मक शब्द को जरूर से जरूर जोड़ना चाहिए, क्योंकि जब तक हम किसी चीज की समीक्षा नहीं करेंगे तो उसमें जो कमियां होती हैं उन कमियों को हम दूर नहीं कर सकते। तो हमारे पाठ्यक्रम को अगर आगे विकास करते, पाठ्यक्रम में हमें विकास करना है तो उसमें समीक्षा, उस पाठ्यक्रम की समीक्षा हमेशा होनी चाहिए, जिससे उसकी कमी और उसकी उपयोगिता दोनों के बारे में हमें पता चले। हम कहें कि हमारे समाज, राष्ट्र एवं भौतिकता का जो हमें हमारे पाठ्यक्रम पर प्रभाव पड़ता है, ये हमारे समीक्षात्मक अध्ययन से ज्ञात होता है कि आदर्शवादिता के अभाव में भौतिकवास का विनाश का एक कारण बन जाता है। अगर हम उस चीज की हम समीक्षा नहीं करते हैं तो हमारे कहते हैं समीक्षा हर चीज की होनी चाहिए, भौतिकता की होनी चाहिए, आदर्शवाद की भी। आदर्शवाद में क्या था, आज के युग में क्या है, आज का युग क्या चाहता है और प्राचीन काल में क्या था, तो ये हमें समीक्षा के माध्यम से प्राप्त होता है। फिर है हमारा परिवर्तन। परिवर्तन एक संसार का नियम है, लेकिन अगर हम, जब संसार परिवर्तनशील होता है, मनुष्य की आवश्यकताएं परिवर्तनशील है, तो हमारे पाठ्यक्रम को भी परिवर्तनशील होना चाहिए। अगर समय और परिस्थिति के अनुसार हमारी आवश्यकताओं के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर उसमें परिवर्तनों का समावेश होना चाहिए कि किस तरह से हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये हमारी आज की जो पाठ्यक्रम विकास की अवधारणा के बारे में मैंने आपको समझाया कि पाठ्यक्रम विकास की अवधारणा क्या होती है और उसकी विशेषताओं के बारे में मैंने आपको बताया। धन्यवाद।